अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जुम्मा का दिन है आज, इसीलिए मैं साड़ी पहनी हूँ। फुल गर्मी भी है और मेरे मायके में बारिश भी हो रही है। अभी फ़ोन आया था, अब जाएंगे ऊपर वॉकिंग करने के लिए, मैं और आहिल के पापा। कौवा कौवा पुकार रहा है। यहाँ पे गेहूँ सूखने डाली थी, धो के नहीं, ऐसा ही डाली थी मैं। यहाँ पे गेहूँ, यहाँ पे जारी देख लीजिए, यहाँ का नज़ारा ऐसा है। यहाँ पे बारिश गिरिश कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे मायके में बारिश आ रही है, बेमौसम बरसात। तो जी सब फ्रेंड्स, बताइए कि मुझे वहाँ का ब्लॉग कैसा लगा आपको, मतलब मॉल का ब्लॉग कैसा लगा बताइए, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए वो ब्लॉग कैसा लगा। मतलब वहाँ पे बहुत ऐसा ये हो रहा था, शर्म हो रहा था बनाने के लिए, तो भी मैं बना ली, थोड़ा बहुत बात भी कर ली, किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता इंसानों को भी। अभी सभी नॉलेज, सभी अच्छे नॉलेज है सभी को भी, मतलब ब्लॉगिंग कर रहे होंगे ऐसा। तो मैं बना रही थी तो थोड़े बहुत औरत रहते ना, वो देख रहे थे, उनको थोड़ा रहती हो मन में ये क्या कर रही है ऐसा, तो वो देख रहे थे। थोड़े आदमी लोग नहीं देख रहे थे ज़्यादातर, तो भी मैं बना रही थी, मुझे अच्छा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वो ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो कल एक है, वो भी एक डालूंगी मैं। और चोटी वोटी कुछ नहीं की, सिर्फ साड़ी पहन ली और थोड़ा सा क्रीम लगा लिया, और गर्मी बहुत है यहाँ पे अभी। कुछ नहीं, अभी वॉकिंग कर रही थी, वॉकिंग करते करते ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेंगे। ओ व्लॉगिंग बोलते हैं, मुझे ब्लॉगिंग ऐसा हो गया, व्लॉगिंग बोलते हैं उसको, सुधारूंगी आगे। अभी सब्सक्राइब कहाँ बढ़े हैं मेरे भी, धीरे धीरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे मेरी भी हिंदी अच्छी हो जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। यहाँ का व्यू दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छा है। यहाँ पे गर्मी एक है और थोड़ा बहुत बारह छोटा है, लेकिन मेरे मायके में उत्तर कर्नाटक में बारिश हो रही है ऐसा मेरा भाई फ़ोन करके बोला अभी, मतलब तो बारिश हो रही है। तो यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं बना ली थोड़ा बहुत शूट। आपसे बातें करने का भी मन कर लिया, बातें भी कर ली और थोड़ा बहुत शूट भी कर ली। तो यहाँ का नज़ारा देख लीजिए आप, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, सुकून भरी ज़िंदगी, किसी का भी झंझट नहीं है, सुकून से रहते हैं यहाँ पे, हमारे लाइफ में हम मस्त। तो नज़ारा दिखा, तो जी देख लीजिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, आपको दिखाऊंगी। पक्षी उड़ रहे हैं, ये वाला मेरा घर के ऊपर का व्यू है। जब मैं कल गई थी ना, ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, वो पहाड़ दाट के गई थी मैं, मतलब पार करके, यहाँ से ऐसे लगते हैं वो पूरे मैंगनीज के पहाड़ है। और यहाँ पे पूरा फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री की वजह से इतना धूल धूल रहता है, देख लीजिए। और एक बात देख लीजिए, मैं पायल भी लेके आई थी मायके से, मुझे बताना भूल गई थी। अल्लाह जी देख लीजिए, तभी परसों मायके गई थी ना, तब खरीद के लाई थी मैं ये वाले पायल, बताइए आपको कैसे लगी ये और ये। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो मैं ये सब्जी बना रही हूँ, ये कुलथी की दाल है, कुलथी है ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहती है। सभी दालों के मुताबिक ये दाल थोड़ी, सब दालों में से ये दाल बहुत स्ट्रांग दाल है, मतलब इसमें बहुत ताकत रहती है। तो मैं ये भिगो के रखी थी, अक्खी वाली कुलथी है, इसमें
इसे दूसरा क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, दूसरे गांव में इसे भी, लेकिन हम तो हमारे भाषा में कुल्थी बोलते हैं। तो भिगो के कब रखी थी मैं, कल रात में धो के रखी थी, तो थोड़े बहुत इसमें देखो ये आ रहे हैं छोटे छोटे, अभी एक दिन का टाइम दे तो और लंबे लंबे आ जाते थे, मतलब ये वाले झाड़ उसके। तो इसकी सब्जी बनाएंगे आज, मुझे अच्छा लगा, दिखाना जैसा लगा इसीलिए दिखा रही हूँ। ये खाना अच्छा है, ये सेहत को अच्छी होती है खाने में, तो आप भी एक बार जरूर बना के खाइए। हमारे जो बहुत सारे रिलेटिव है देख रहे हैं मुझे, वो बना के खाते हैं मुझे पता है, लेकिन जो नहीं देख रहे, दूसरे दूसरे गांव से देख रहे होंगे ना, उनको पता नहीं होगा, तो जरूर एक बार बना के खाइए, बहुत अच्छी बनती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो इसके लिए मुझे चाहिए, मैं 2 से 3 टमाटो काट के रखी हूँ, प्याज काट के रखी हूँ, हरी मिर्ची काट के रखी हूँ और कोतीमीर, और कुकर में बनाऊंगी मैं, क्योंकि 2 सीटी में गल जाती है। चाहे तो आप दूसरे में कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुकर में बनाऊंगी क्योंकि टाइम बज रहा है 9। तो ये जीरा है, ये हल्दी है, ये राई है, तड़के में जाएगा, और ये तेल, ये गरम मसाला पाउडर मेरा, ये नमक, ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा है। अब इसमें हम पहले चूल्हा सुलगाएंगे और तेल डालूंगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे बनाते हैं। इसके साथ चपाती बनाऊंगी, जारी की रोटी या चावल की रोटी रही तो मस्त लगता था, लेकिन क्या करूँ, मेरी जारी तो धो के रखी हूँ मैं, पिसाई नहीं, लेकिन चपाती के साथ भी एडजस्ट कर लेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं करियापत भूल गई थी बोलने के लिए, देख लीजिए ये करियापत है, मैं जो सुखा के रखी हूँ, मतलब ऐसे ही रखा तो खराब हो जाता है, सुखा के रखने से आपको अच्छी वाली स्मेल भी रहती है और तड़के में भी यूज कर सकते हैं। मैं डाल दी करियापत और थोड़ा सा जीरा, सभी है ये, धोन एक बार धोने के बाद मैं इसमें सब में सामान भरूंगी, कल उसके उसी का ये व्लॉग बनाऊंगी मैं। तो ये है थोड़ी सी राई, इसको थोड़ा चटकने देंगे, तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए था, लेकिन मैं गड़बड़ी ज्यादा है मेरे को। ए बेटा ये खोल को दे, ढक्कन खोल दे, तो कौन कौन से बाटले में पानी पीता रहे बा, कौन से, तो एक बाटली रख ले, कौन सी, दिखा, हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस कैसे हो। मैं ट्यूशन की बाटली बना रहा हूँ। अच्छे अच्छे बातें करना, जो घर में मेरे साथ मस्ती करता हो इसे, जो मेरे मस्ती करता है, और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करो बोल जा, तेरे बातें सुन रहे, लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब भी, मेन सब्सक्राइब है मुझे जरूरी, सब्सक्राइब करो और लाइक कीजिए और आगे बढ़ाए हमारे अम्मी को। ओके, कल का ड्रेस आज भी पहन के रखा है, नहीं निकाला हो। तो जीरा और राय कड़क चुकी है, तो मैं ये पूरा मसाला डाल देती हूँ उसमें, यही है अदरक और लहसुन, मतलब सूख गया है, सूखने के बाद भी अच्छा रहता है वो, देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एक बार डाल देने का, हाँ पहले प्याज डालो बाद में टमाटर डालो, ऐसा कुछ नहीं थी, पूरा एक बार डाल दो, नमक थोड़ा सा डाल देने के बाद पूरे अच्छे से भून जाता है। हाँ एक एक डालते रहते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, कभी पक जाता है एक ही बार में इसको, वो थोड़ा पकने के बाद ये डाल दे, कुछ नहीं होता, टमाटो अलग से डालो, वो अलग से डालो, ये अलग से डालो, ये झंझट नहीं चाहिए ना। तो बने रहिए मेरे साथ, ये थोड़ा सा मैं, तो जी यहाँ पे आटा भी ले लियो मैं, ये चपाती का आटा है, तो इतने चपाती बनाऊंगी। अभी इसमें मैं डालूंगी, कितना मस्त लग रहा है देखो, इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, इसमें मिर्ची पाउडर नहीं डालती, आपकी मर्जी डालो तो भी अच्छा लगता है, मेरे पास हरी मिर्ची थी तो मैं हरी मिर्ची डाली। ये है गरम मसाला मेरा, सभी मिक्स है इसमें, मुझे पसंद है ये मसाला, इसका टेस्ट ही अलग है मसाले का। तो एक बार अच्छे से सौते कर लो और ये कुल्थी को उसमें डाल देंगे।
डाल दी मैं। अभी थोड़ा नमक चेक करके थोड़ा सा पानी डालेंगे और दो सीटी लेंगे इसे। बस सब्जी बनने के बाद भी एक बार दिखाऊंगी मैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। मतलब कुकर में बनाए तो झटपट से जल्दी तैयार होती है, मतलब टाइम आपके पास नहीं होगा तो कुकर में बनाइए, फास्ट रेडी होती है। मतलब ये कढ़ाई में बनाने से क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। देख लीजिए ऐसा है, बन गई है ना। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी पड़ेगा इसमें। इसे दिख रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा पानी पड़ेगा, थोड़ा मतलब काफ़ी है। नमक भी देख ली मैं, नमक भी करेक्ट है, पकने के बाद भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत नमक। हाँ, इसको एक सीटी लगाऊंगी मैं। करेक्ट है। अब सीटी लगाने के बाद रोटी और ये दिखाऊंगी लास्ट में प्लेट। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कल नए ब्लॉग में मैं मिलूंगी आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। अभी बिन मौसम बरसात आ रहा है, बिन मौसम हवा आ रही है, किसी का क्या पता नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक सब अच्छे से जिएंगे। तो अल्लाह हाफिज़। देख दही चपाती आहिल की प्लेट। अब मैं अपने आप को रोहित शेट्टी समझता है क्या? यानी हो